Hello everyone, in this video of IMO for class 6, I am going to solve previous year paper. I have taken paper set A of year 2020. First question is, if in a certain code language equation is written as GSWCRGMI, then how will latitude be written in the same language? So, humne dekhna hai pehle, what is the relationship between equation and this? Kya hai E? E ko kya likha gaya hai? G. Theek hai? E. F G means plus 2. Done. Then क्या है Q? Q को क्या लिखा गया है S. तो Q R S. Again 2 का relationship है. फिर है क्या U? U को क्या लिखा है W? U V W. ठीक है correct. 2 का. फिर A को क्या लिखा है C? A B C. ठीक है. Next क्या है T? T को क्या लिखा है R? T को R लिखा है means कि what is the relationship? T then S then R. Means till this plus 2 था, plus 2 था, plus 2 था, but यहाँ क्या हो गया? Minus 2, ठीक है? Minus 2 हो गया. Now next देखते हैं. उसके बाद हमारा क्या है? I को क्या लिखा गया है? यहाँ पर G, ठीक है? I, H, G, done, सही है? Then है O, O को क्या लिखा गया है? M, यहाँ पर भी minus 2 का relationship है. And last हमारा क्या है? N, N को क्या लिखा है? L, L का N है. N से पहले क्या आएगा M, M से पहले क्या आएगा L, means कि यहाँ भी minus 2 का. तो same relation हम use करेंगे, हमें convert कैसे करना है latitude को. तो देखो पहले तो सब में N, 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 N है, तो हमें पहला check नहीं करना. C, 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 C भी सब में है, तो L के लिए तो हो गया N और A के लिए हो गया C. ये दो चीजें तो done हो गई. अब हमें check करना है for T, फिर I, then T, then U, then D, then E. ठीक है. Now T के लिए check करें तो plus 2 होना चाहिए. T U V, V होगा means कि this one is cancelled. ठीक. Now अब V के बाद K सबके पास है, means कि यहाँ V आएगा, यहाँ K आएगा. Now अब changes कहाँ हैं? Fifth पे. तो यहाँ पे minus 2 होना था, तो T से just पहले क्या आएगा? S, S से just पहले क्या आएगा? R, R S T. तो अब जहाँ R है means वो रहेगा, जहाँ R नहीं है वो बाहर हो गया. ठीक है. Now हो गया R. Now अब हमें check करना है किसके लिए? U के लिए. U के लिए हमारा क्या हो जाएगा? U T S. तो S हमारी कहाँ पर है? दोनों ही में है, तो दोनों ही चलेगा. After that क्या है? D. D से just पहले C and C से just पहले B. तो there is single option जिसमें यहाँ B available है, वो है A. तो A is correct. E को भी आप चाहो तो check कर लो. E से just 2 पहले means कि E D C. तो option A is correct for this. Introducing Aman, Kritika says his daughter's mother is the only daughter of my father's wife. ठीक है. इसका means क्या है? Aman है, अमन की डॉटर है, इस डॉटर की मदर मींस की मदर, तो ये इनके पेरेंट्स हो गए. तो ये क्या हो गए? ये दोनों मैरिड हो गए, मींस कि ये फादर डॉटर के फादर और ये फादर इसकी मदर. ठीक है, डॉटर की मदर. अब क्या लिखा है? डॉटर इज द ओनली डॉटर. अब ये हो गई ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, मींस कि इनके फादर और इनकी वाइफ की ओनली डॉटर है. अब इन्होंने कहा कि माई फादर्स वाइफ, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर है मीन्स कि कृतिका खुद को ही कह रही है कि इसकी डॉटर की मदर वो है, मीन्स कि दिस इज कृतिका. तो अमन एंड कृतिका का क्या रिलेशन हो गया? कृतिका अमन की वाइफ है. क्लियर है? यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, लिखा है ना कि हिज डॉटर्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब मेरे ही फादर के वाइफ की ओनली डॉटर है, मींस कि वो खुद ही होगी, क्योंकि सिर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न. अब हमें यहाँ पैटर्न बनाना है, तो पहले तो यहाँ सर्कल होगा, ठीक है, सेम वे. ठीक है, दूसरा दिस साइड स्क्वायर होगा. ठीक है, डन है. अब ये सर्कल को कंप्लीट करना है, ये सर्कल को कंप्लीट करना है, मींस कि अब विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? तो फॉर दिस ऑप्शन ए, मींस कि दिस इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज, निहारिका इज 15th फ्रॉम द राइट, लेट दिस इज राइट एंड. राइट एंड से यहाँ निहारिका है एंड दिस इज इट्स 15th रैंक. एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेट दिस इज लेफ्ट. यहाँ से यहाँ निहारिका की पोजीशन है और ये क्या है? 18th. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, यहाँ से यहाँ तक 17, यहाँ 14. तो टोटल क्या हो गए? 17 प्लस 14 प्लस 1, क्योंकि निहारिका इटसेल्फ 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12 की 2 पावर आई 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 32, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड, तो नाउ यहाँ पे कितने साइड्स है? 5 साइड, तो इसमें तो नहीं है, बी में वो एग्जैक्टली एम्बेडेड है, मीन्स कि फिफ्थ के लिए बी ऑप्शन इज करेक्ट.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन डिक्शनरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो एफ सबके साथ है, फिर ई भी सबके साथ है, फिर हम थर्ड लेटर क्या है, एम ए ई एन ए. ठीक है, तो इन दिस केस सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा. ठीक है, मीन्स कि अब हमारा आइदर होगा सेकेंड और होगा फिफ्थ. ठीक है, नाउ अब हमने सेकेंड में देखा इसका नेक्स्ट लेटर टी है, फिफ्थ में देखा इसका नेक्स्ट लेटर भी टी है. ठीक है, बट अब हमने इसका नेक्स्ट लेटर देखा सेकेंड में तो यू है और फिफ्थ में एच है, तो एच पहले आता है अल्फाबेट ए बी सी डी में, तो हमारा सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, फिफ्थ. मीन्स कि ये ऑप्शन खत्म हो गया, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, फेदर. ठीक है, फेदर पहले आएगा एंड सेकेंड पोजीशन पे क्या आएगा, फीचर. ठीक है, दो हमारे क्लियर हो गए. ठीक, नाउ अब हमें थर्ड देखना है, थर्ड देखना है, तो अब हमारे पास जो थर्ड है उसमें एम है, ई है, एन है. तो ई आता है अल्फाबेटिकली पहले, ए बी सी डी ई, मीन्स कि थर्ड पे हमारा क्या आएगा, फीडिंग, मीन्स कि थर्ड. ठीक है, नाउ अब हमारा क्या बचा, एन और एम. तो अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो पहले क्या आता है, के एल एम, एम आता है, मीन्स कि फोर्थ पोजीशन पे आएगा फेमिनिन एंड फिफ्थ पोजीशन पे आएगा फेंस्टरेशन. ठीक है, मीन्स कि व्हाट इज द सीक्वेंस, सबसे पहले होगा हमारा फिफ्थ, देन होगा टू, देन होगा थ्री, देन होगा वन और लास्ट होगा फोर्थ. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. इज इफ प्लस डिनोट्स डिवीजन, माइनस डिनोट्स एडिशन, प्रोडक्ट डिनोट्स सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ हम इनको रिप्लेस कर देंगे, 18 माइनस साइन है, मीन्स की माइनस डिनोट एडिशन, मीन्स की इट विल बी प्लस 12. आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, प्लस डिनोट्स डिवीजन, मीन्स की यहाँ डिवीजन साइन होगा 6. 6 के बाद यहाँ डिवीजन साइन है एंड डिवीजन साइन डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, मीन्स मल्टीप्लाइड विथ 2. एंड देन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट डिनोट सब्ट्रैक्शन, मीन्स कि यहाँ क्या होगा, माइनस 5. ठीक है, क्या था फर्स्ट केस में, माइनस था तो माइनस को क्या था, एडिशन. सेकेंड में क्या था, प्लस, प्लस को गया डिवीजन. थर्ड में क्या था, थर्ड में यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन को क्या कर दिया हमने, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा, डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिनोट सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बॉड मास से सबसे पहले हमारा डिवीजन होगा, तो ये क्या होगा, 18 प्लस 12 को अगर हमने 6 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 5. ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 18 प्लस 4 माइनस 5. नाउ इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस 4 क्या होगा, 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, हमें मिरर इमेज बनानी है, चलो बनाते हैं. तो पहले तो डायमंड शेप तो डायमंड ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये लाइन रहेगी, यहाँ पे ये लाइन भी रहेगी, डन. अब ये जो ट्रायंगल दिस साइड है वो ट्रायंगल कहाँ होगा, यहाँ. सर्कल कहाँ होगा, यहाँ. ये जो लाइन्स है वो यहाँ होगी और ऊपर वाली लाइन यहाँ होगी, ठीक है. तो नाउ अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं, विच ऑप्शन इज मैच विद दिस, ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज फाइंड ऑड मैन, ऑड वन आउट. तो नाउ इन दिस केस अगर हम इनके फैक्टर देखें तो इसका होगा 1 एंड 13, इसके केस में क्या होगा 1 3 5 एंड 15, इसके केस में क्या होगा 1 3 7 21, इसके केस में आप क्या देखेंगे 1 3 9 27. तो हमारे जो फर्स्ट है ए, इसमें सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड 13. एक तो ये चीज़ हो गई कि सिर्फ टू फैक्टर हैं, बाकियों में ज़्यादा हैं, तो दिस इस वजह से ये डिफरेंट हो गया. और वी कैन से कि जो रिमेनिंग थ्री हैं इनके फैक्टर्स 1 एंड 3 दोनों हैं, तो ये सेम हो गए. बट 13 के केस में 3 इज नॉट फैक्टर, तो 13 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इफ द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिवर्स्ड एंड देन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सेकंड नंबर. तो बेसिकली हमें क्या करना है, नंबर्स को पहले रिवर्स करना है. अगर हम रिवर्स करेंगे तो दिस बिकम्स 4, रिवर्स क्या होगा 4 5 3, इसका रिवर्स 9 6 5, इसका रिवर्स 2 7 6, इसका रिवर्स 4 8 8 एंड इसका रिवर्स होगा 8 4 9. ठीक, हमने रिवर्स कर दिए, देन इनको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले क्या होगा 9 6 5, आफ्टर दैट क्या होगा 8 4 9, देन क्या होगा 4 8 8, देन क्या होगा 4 5 3, इन लास्ट क्या होगा 2 7 6. ठीक है,
फिर क्या लिखा है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा कौन सा है, दिस वन, इसकी डिजिट्स का सम 8 + 4 = 12 एंड थर्ड डिजिट इज 9, ऐड किया तो 21। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। साहिनी इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, शी टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 315 क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस हमारी कैसे होती हैं, ये है हमारी ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, यहाँ होगा साउथ, यहाँ होगा नॉर्थ। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सुहानी इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, मीन्स की दिस वन, यहाँ है सुहानी। ठीक है, शी टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स की जो आपकी वॉच की हैंड मूव करती है उसकी जस्ट अपोजिट, मींस की 225, ये हो गया 45, देन 90, 135 एंड देन 90, तो ये हो गया 225, क्लियर हो गया। ठीक, एंड देन 315 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 225 तो यही हो गया और क्या जाना है 315। ठीक है, मींस की 90 मोर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन होगी, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, एक तो तरीका ऐसे था कि हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जाते, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, साउथ वेस्ट में है, 225 डिग्री मूव करती है इन एंटी क्लॉक वाइज एंड देन 315 क्लॉक वाइज, मीन्स की बेसिकली जिधर जा रही है फिर जस्ट वापस अपोजिट आ रही है, तो हम इनका डिफरेंस ले लें 315 डिग्री माइनस 225 डिग्री, अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो वो क्या आएगा 90 डिग्री, मींस कि जिस पोजीशन पे है उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा। तो एक तरीका ऐसे है कि हम डिफरेंस ले लें और डायरेक्शन देख लें, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वही डायरेक्शन होगी, तो 315 इज मोर देन 225 तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो डिफरेंस वॉज 90 तो एक्चुअल पोजिशन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो भी हमारी यही आएगी, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी फॉर्म्ड इफ द गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, अगर हमने क्यूब को फॉर्म किया तो देखो, अगर वन दिखेगा तो फोर नहीं दिखेगा। ठीक है, वन के एक साइड में थ्री है, फाइव है, सिक्स है। ठीक है, तो अब ये देखो, फर्स्ट को आप देखो, फर्स्ट को फाइव एंड सिक्स अपोजिट है, यहाँ फाइव एंड सिक्स साथ में है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगर फाइव विजिबल होगा तो सिक्स विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और वन के साथ फोर है, अगर वन विजिबल होगा तो फोर नहीं विजिबल होगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी, यहाँ वन विजिबल है, फोर नहीं है, फाइव विजिबल है, सिक्स नहीं है, टू दिख रहा है, मीन्स कि बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज टू के अपोजिट में थ्री है, अगर टू दिखेगा तो थ्री नहीं दिखेगा, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। देयर इज डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर वन टू, एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स थ्री एंड फोर्थ बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हाट वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन फिगर फोर। ठीक, तो नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें फिगर वन एंड टू को, तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक, और इनके अंदर क्या है, पेंटागन, जिसकी एक साइड ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा होगी। नाउ यहाँ हमारा क्या है, स्क्वायर अपवर्ड है और पेंटागन है, मीन्स कि इस शेप में क्या आएगा, पहले तो हमारा पेंटागन आएगा, दिस वन, फाइव साइड्स हैं। ठीक है, इस पेंटागन के अंदर, मींस कि इसके अंदर ट्रायंगल आ गया था, तो मींस इसके अंदर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और इसके इनसाइड जो आएगा वो होगा हेक्सागन। तो अब हम देखते हैं हेक्सागन मींस कि जिसके सिक्स साइड्स हो, ऑप्शन देखते हैं किसके अंदर सिक्स साइड्स हैं, तो नाउ यू कैन सी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आप देखो, पेंटागन है, देन स्क्वायर है, देन हेक्सागन है, मींस कि सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इन अ गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द मैरिड फीमेल Who are not employed? ठीक है, तो पहले तो मैरिड देखनी है, ये फीमेल्स हो गई, चलो मीन्स कि ये सर्कल फीमेल हो गया, ये मैरिड का हो गया, मीन्स कि जो सेवन है और सिक्स हैं, ये दो नंबर्स हैं जो फीमेल हैं एंड मैरिड हैं, बट हमें क्या बतानी है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो दिस इज द सर्किल ऑफ एम्प्लॉयड, मीन्स कि सिक्स जो है फीमेल को इंटरसेक्ट कर रहा है, मैरिड को भी कर रहा है, एम्प्लॉयड को, तो ये जो सिक्स है वो मैरिड भी है, एम्प्लॉयड भी है और फीमेल भी है, बट जो ये सेवन है ये क्या है, फीमेल को इंटरसेक्ट कर रहा है और मैरिड को, मीन्स कि दीज फीमेल्स आर मैरिड बट नॉट एम्प्लॉयड, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। देन फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सम रूल इज फॉलोड, तो हमें यहाँ पे रूल देखना है और यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही हमारा थर्ड में होगा, तो हमें बहुत ही केयरफुली इसे ऑब्जर्व करना होगा। इन दोनों में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर करें 5 + 2 एंड 4 + 11, तो 11 + 4 क्या होगा, 15
माइनस 5 + 2 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेम वे अगर हम इस केस में देखें, सेकंड के केस में, तो सेकंड के केस में 20 + 10 इज 30 माइनस 8 + 6 इज 14 इज इक्वल टू 16। नाउ अब यही रिलेशनशिप हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 15 + 8 इज 15 + 8 क्या हो जाएगा 23 माइनस 3 + 6 क्या होगा 9, माइनस करते हैं 23 से 9 को, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आएगा 14। ठीक है, 14 मींस कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एम इफ फोर नंबर्स एम 24 72 96 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है, मींस कि एम कॉलन 24 इज प्रोपोर्शन विथ 72 96। ठीक है, मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बाई 24 इज इक्वल टू 72 बाई 96। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो 24 की टेबल से डिवाइड किया हमने, 24 यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है, नाउ 4 से अगर हमने 72 को डिवाइड किया तो क्या होगा, 4 × 1 = 4, बचा क्या 3, 4 × 8 = 32, मींस कि एम की वैल्यू क्या हो गई 32, तो सी इज द राइट ऑप्शन। आप ऐसे कर लो, या आपके पास फॉर्मूला हमने ये बना ही दिया था कि एम डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 72 बाई 96, तो एम क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 72, ये वैल्यू दिस साइड जाएगी, इंटू 24 / 96। नाउ 24 की टेबल से 24 × 1 = 24, 24 × 4 = 96, नाउ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 18, तो सी इज द राइट ऑप्शन। बाई हाउ मच इज 2/5 ऑफ 125 इज स्मॉलर देन 3/8 ऑफ 256। तो हमें दोनों का वैल्यू निकालना है, देन हमें सबट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं 2/5 ऑफ 125 इज इक्वल टू 125 × 2/5, 5 से डिवाइड किया तो 5 × 2 = 10, बचा क्या, ऐसे करते हैं ना, 5 से अगर हम 125 को डिवाइड करें 2 टाइम्स में जाएगा 10, रिमाइंडर क्या बचा 2, यहाँ क्या आया 5 × 5 = 25। ठीक है, यहाँ आया 0 0, मीन्स कि ये हो गया 25, वैल्यू क्या आएगी 50। क्लियर हो गया, मीन्स कि 2/5 ऑफ 125 इज 50। 3/8 ऑफ 256 इज इक्वल टू 256 × 3/8, 8 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 8 से हमने अगर 256 को डिवाइड किया, 8 × 3 = 24 माइनस 1 6 16 0 0, ये कितनी बार में गया 2, मींस कि यहाँ क्या आएगा 32। अब 32 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, 96 - 50 इज इक्वल टू 46, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 49 cm, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या हो गया, मीन्स एल इंटू बी इज इक्वल टू हो गया 49। इफ द ब्रेथ इज 2.8, मीन्स कि दिस इज 2.8, देन फाइंड द पैरीमीटर, तो पहले हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे देन पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, एरिया क्या है 49 और बी की वैल्यू क्या है 2.8, तो नाउ अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो क्या होगा 490 / 28। अब थोड़ा सा ये टफ होता है 28 से डिवाइड करना, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर भी हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 2, 4, 5, और नीचे हमें क्या मिलेगा 14। ठीक है, तो ये हो गया 14। अब अगर हम 14 की टेबल से डिवाइड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 14 2 4 5। ठीक है, 14 × 1 = 14 माइनस क्या आया 105। अब 14 × 7 = 28 माइनस किया, 15 × 8 = 7, है ना, डन। अब पॉइंट आएगा, 0 बढ़ाया हमने, 14 × 5 = 70। ठीक है, तो हमें एल की वैल्यू क्या मिल गई, एल हमारे पास हो गया 17.5, बी गिवन है क्वेश्चन में 2.8, तो नाउ पेरीमीटर निकालते हैं, इज इक्वल टू 2 × L + B, 2 × 17.5 + 2.8 प्लस किया तो क्या आएगा 2, 5.8 × 13³ (3) 1, 2 + 1 = 3, 3 + 7 = 0 (1),
मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 40.6. ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज ऑल द फेसेस आइडेंटिकल. अब इसमें कौन सा ऐसा शेप है जिसके सारे फेस सेम होते हैं, तो इन दिस केस क्यूब. क्यूब के ऑल फेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं. तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर ऑफ 42. अब 42 के जो ऑड फैक्टर्स होते हैं, पहले हमें फैक्टर्स लिखने होंगे. तो 42 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे, पहला तो होगा 1, देन होगा 2, देन होगा 3, देन होगा 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6, देन होगा 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, सीधे होगा 21. ठीक है, एंड देन होगा 42. तो हमें किसको ऐड करना है, ऑड फैक्टर्स को. मींस 1, 3, 7, 21, 1 + 3 + 7 + 21. ठीक है, तो 21 + 7 = 28, 28 + 3 = 31, 31 + 1 = 32. मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस. तो हम इसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 0.004 डिवाइडेड बाय 0.4. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1, तो इक्वल करना है. तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट्स हम हटाएंगे दोनों के, तो यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 4 दोनों में. ठीक, अब यहाँ पर 3 डिजिट्स थे, यहाँ 1 है, तो 2, 3 से माइनस 1 के तो 2, मीन्स कि 20 यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीज होंगे बिकॉज ऊपर 2 पॉइंट्स ज्यादा थे. अब इनको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 100. ठीक, अगर हम 1 को 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ाते एक जीरो बढ़ा, फिर एक और जीरो चाहिए तो एक और जीरो बढ़ा, नाउ वैल्यू क्या हो गई 1. ठीक है, तो फॉर दिस हो गया 0.01. नाउ अब हम सेकेंड पार्ट को करते हैं. सेकेंड पॉइंट में क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.004. नाउ इन दिस केस अगर हमें इक्वल करना है तो 1, 2, 3 डिजिट्स, मीन्स यहाँ पे 3 हो गए, 3 डिजिट्स. अब हम पॉइंट्स को हटा देंगे तो क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1. ठीक, इज इक्वल टू 100. ठीक है, क्योंकि हमने 4 से ही ऊपर डिवाइड किया, 4 से ही नीचे डिवाइड किया. नाउ अब हमारी वैल्यू क्या होगी 0.01 इसके लिए प्लस 100 सेकेंड पार्ट के लिए. दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 100.01. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. करना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ फर्स्ट देखो आप 48 के टू फैक्टर है एक्स एंड 8. तो 48 को 8 से डिवाइड करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6. ठीक, नाउ अब हमें देखना है y. y कहां पर है, x का ही पार्ट है, x के टू फैक्टर है y एंड 3. तो x अगर 6 है तो हम 6 को डिवाइड कर दे 3 से तो क्या आएगा 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है 6. तो x की वैल्यू हो गई 6 एंड y की वैल्यू हो गई 2. तो हमें बताना क्या है, x बाई वाई मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2. अगर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया आंसर क्या आएगा 3. नाउ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी आएगा, मींस कि डी की वैल्यू क्या, डी में क्या है 3. तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. एक्स इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 40 एंड जेड इज इक्वल टू 8. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ सॉल्व करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्स डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई जेड. ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 30 डिवीजन का साइन, वाई की वैल्यू क्या है 40 डिवीजन का साइन, जेड की वैल्यू क्या है 8. तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ क्या हो रहा है, 40 को हम डिवाइड करेंगे बाय 8. अगर हमने 40 को 8 से डिवाइड किया 5 टाइम में जाएगा 40 - 0, 0 मींस कि नाउ अब ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर तो वैल्यू क्या है 5. नाउ अब 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मींस कि बेसिकली ये क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाय 5, तो वैल्यू क्या आएगी 6. 5, 6 = 30, मींस कि ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज शोन बिलो. क्या था इक्वेशन, 3 मल्टीप्लाइड विद 7 + 5. तो 3 को हमने 7 से भी मल्टीप्लाई किया, 5 से भी किया, मींस कि डिस्ट्रीब्यूट किया. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड. तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे शेडेड स्क्वायर्स. तो नाउ उसमें भी हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीट वाले. तो 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट है, प्लस किया. अब हमें देखने यहाँ पे हाफ शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मींस कि 12 हाफ शेडेड है. तो 12 × 1/2, 12 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया क्या मिलेगा 6. मींस कि टोटल शेडेड क्या हो गए, 5 + 6 = 11. तो 11 शेडेड स्क्वायर्स हैं. टोटल अब स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5. एंड एवरी रो में कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4. मींस कि टोटल स्क्वायर्स हो गए 5 × 4 = 20. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, 11
शेडेड हैं एंड टोटल 20 हैं, तो 11/20। नाउ ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच करेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। इफ गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ ए स्क्वायर एंड फोर आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड एरिया टू द एरिया ऑफ होल फिगर। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि वॉट इज द रेशियो बिटवीन शेडेड एंड टोटल एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या चेक करना होगा, यहां पर आप देखो हमें इसका एरिया निकालना है शेडेड का, तो शेडेड का एरिया निकालने के लिए यहां से ये कट हो रहा है 3 का। ठीक है, मीन्स की इफ यहां से यहां तक की लेंथ 9 है, तो दिस लेंथ इज वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 9 - 3 इज इक्वल टू 6। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड क्या है 6, तो 6 × 6 इज 36। नाउ अब हमें इस आउटर वाले का चाहिए एरिया, तो दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, बट इसकी लेंथ या साइड क्या है, दिस साइड 9, तो ऑब्वियसली ये यहां पर 3 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 3। ठीक है, तो ये भी 3 होगा, तो वन साइड क्या हो गया 9 + 3 इज इक्वल टू 12, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 12 × 12 is equal to 144। Now, अब हमें यहाँ पे ratio find out करना है, find the ratio of shaded area to the area of the whole figure। तो हमारा numerator में क्या होगा, shaded means 36 shaded area divided by whole area, whole area क्या है 144। अब हम इसको 12 की table से अगर divide करें, तो यहाँ क्या आएगा 12 × 3 = 36 and 12 × 12 = 144। Now, इसको और simplify करेंगे 3 की table से, तो 1/4 means what is the ratio 1:4। Now which option is correct? Options देख लेते हैं, तो option A is correct for this। Question is find the line of symmetry of the given figure। तो in this question single line of symmetry, तो option A is correct। Is the sum of all the factors of a perfect number is the number। क्या होगा, परफेक्ट नंबर मींस कि उसके सभी फैक्टर्स का समीशन करने पर हमें उसका ट्वाइस मिले। फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 3 and 6। नाउ अगर हम इनका सम करें, तो 1 + 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 12 विच इज ट्वाइस ऑफ 6। मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 23.456 एंड 18.75 फ्रॉम 98.735 एंड राउंड ऑफ रिजल्टेंट टू द नियरेस्ट 100th। ठीक है, 100th है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, पहला नंबर क्या है 23.456, सेकेंड नंबर इज 18.75, प्लस किया यहाँ क्या आएगा 6, 5 × 5 = 10, 0 power i 1, 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12 की 2 power i 1, 1 + 3 = 4, 4 + 8 = 12 की 2 power i 1, यहाँ क्या होगा 1 + 2 + 1 = 4। नाउ दिस इज द समीशन, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, नंबर हमारा क्या है 98.735 एंड समीशन था हमारा 42.206। सब्ट्रैक्ट करना है 5 and 6, 5 से 6 माइनस नहीं होगा, बोरो करेगा तो इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 15, 15 से 6 माइनस किया 9, 2 से 0 माइनस किया 2, 7 से 2 माइनस किया 5.8 से 2 माइनस किया 6 एंड 9 से 4 माइनस किया 5। ठीक, नाउ दिस इज द डिफरेंस। अब हमें इसको क्या राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100th, नियरेस्ट 100th मीन्स की हमें क्या करना है, एंड राउंडेड ऑफ रिजल्टेंट टू द नियरेस्ट 100th, 100th का मीन्स होता है 1/100। ठीक है, तो हमारे पॉइंट के बाद 2 places, तो पॉइंट के बाद 2 places में हमारा क्या है 0.52, तो हमें कंपेयर किससे करना है 9 को, 9 को अब हम कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 5, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस इज कंसिडर एज 10, तो हमारी जो वैल्यू होगी 0.529, इट इज कंसिडर एज 0.53, बिकॉज 9 क्या हो गया 10, तो 10 हो गया, तो 2 के साथ 1 ऐड हुआ, तो 53। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 56.53, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स इट इनटू डैश पार्ट्स। तो बाइसेक्टर का मींस क्या होता है, सपोज दिस इज अ लाइन, बाई का मींस होता है 2 एंड सेक्टर का मींस होता है 2
सेक्टर का मीन्स होता है पोर्शन, मीन्स कि अगर कोई लाइन बाई सेक्टर्स करती है, मीन्स कि दिस इज द लाइन, अब ये लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ की तो बोथ साइड शुड बी इक्वल, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये बाई सेक्टर है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन ने जब इसको बाई सेक्टर किया तो यहां जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज 90 डिग्री एंगल, मीन्स कि राइट एंगल, इफ राइट एंगल है तो दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दीज लाइन्स, ठीक है, या दिस लाइन सेगमेंट, क्लियर है, तो टू इक्वल पार्ट्स। Thank you so much. Still you have doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.